अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कुनाफा, जो ये अरबिक डिश है, अरबिक स्वीट डिश है। ये यहाँ मंदी रेस्टोरेंट में सब जगह मिलता है और ये बहुत मज़े का लगता है। उसके लिए हमें चाहिए ये कुनाफा डो है, इस तरह का मिलता है इस तरह के पैकेट में। आपको जितना चाहिए आप ले, मैंने थोड़ा सा निकाला हुआ है और फिर इसको मैंने थोड़ा श्रेड कर दिया अगर जुड़े हुए तार हो तो। और इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन, ये मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, सो मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर मेल्ट कर लिया हल्की आंच पे, मगर पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, ये देखें। और ये है क्रीम चीज़ और ये थिक क्रीम। हमने इन दोनों को मिक्स करके फिलिंग करनी है। और चाहे तो आप एक साइज़ का पूरा बड़ा भी बना सकते हैं, चाहे तो आप छोटे छोटे साइज़ के बना सकते हैं। मैं मोल्ड में बनाऊंगी 2 छोटे छोटे। सो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा हमें शीरा भी चाहिए। ये मैंने 1 कप जितना शुगर लिया था और 1 कप पानी में शीरा बना लिया। इसमें एक तार का शीरा नहीं चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत थिक नहीं है, ये पतला पतला शीरा ही होता है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमें शीरा बिल्कुल एंड में चाहिए, ये अभी नहीं चाहिए। जब बन जाएगा उसके बाद हम इसको ऊपर से डालेंगे। जी, हमने जो ये कुनाफा की सेवइयाँ ली हुई है, कुनाफा का डो, उसको हम पहले बटर के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा बटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए ताकि ये जब बने तो क्रिस्पी बने। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से बटर में। ये देखिए, मैंने इसको पूरा अच्छे से कोट कर लिया बटर के अंदर। मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर निकाला, मेल्ट किया हुआ था, बट मुझे ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बटर की, सो मैं 1 टेबलस्पून जितना रहने दिया है। जितना आपकी ज़रूरत हो उतना डाले, ज़रूरी नहीं कि जितना बटर मेल्ट किया हुआ है हमने सारा डाल देना है। ये मिक्स हो गया, अब हम इसके मोल्ड बनाएंगे। आप चाहे तो आप फ्राई पैन के अंदर 1 लेयर, उसके ऊपर क्रीम या क्रीम चीज़ डाल के फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर में भी बना सकते हैं। मैं आज छोटे छोटे मोल्ड बनाऊंगी। आए हम इसके लिए क्रीम मिक्स करते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना क्रीम चीज़ लिया है और 2 टेबलस्पून जितना क्रीम, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ क्रीम से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो दोनों से बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर ले। इसके अंदर कुछ भी शुगर कुछ नहीं डलती। जी, अब हम बनाने के लिए, मेरे पास 2 एक ही साइज़ के मोल्ड नहीं है, सो मैंने ये दोनों सेम साइज़ के हैं, सो मैंने इसके नीचे थोड़ी फॉइल लगा दी। अब हम इसको फिल करेंगे। इसको थोड़ा प्रेस करते हुए फिल करें ताकि ये शेप में आए। जी, अब हमने जो ये हमारा क्रीम चीज़ और क्रीम का मिक्सचर तैयार किया था, अगर आपको थोड़ा पिघला हुआ लगे आप फ्रिज में रख दें, मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं इसको इसके अंदर पोर करूँगी। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। अब अगेन हम इसको, जो हमारी सेवइयाँ हैं, इसको इसके ऊपर डालेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे, थोड़ी देर बाद हम इसको फ्राई बनाएंगे। जी, अब हम हमारे ये कुनाफा बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इसमें निकाल लिया था, अब इसमें रख देंगे। ये हल्की आंच पे ये होता रहेगा। अगर हम गरम करके रखेंगे तो ये जल्दी से लाल हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा।
हमने इसमें ऑयल कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमारा जो ये कुनाफा डो है वो ऑलरेडी बटर वाला है, तो ये हल्की आंच पे खुद ब खुद क्रिस्प होता रहेगा। ये मैंने दोनों डाल दिए हैं, अभी जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा जब हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारा कुनाफा हो रहा है, मैंने इसमें हल्का हल्का बटर डाला था, मुझे थोड़ा सूखा लग रहा था, तो आपको भी चाहिए आप भी बटर डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखें मैंने एक तरफ से टर्न करके, ये हमने इस तरह का करना है, तो अगर आपको चाहिए आप बटर डाल सकते हैं, इस तरह का गोल्डन हमने करना है। तो अगर आपको लगे कि आपका सेवैया सूखा है तो आप थोड़ा बटर डाल दें, मैंने भी इस टर्न करते हुए डाला था, अभी भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। जी हमने कुनाफा डिश आउट कर लिया है, अब हमारा जो हमने शीरा बनाया हुआ था हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से, ताकि आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें शुगर डालें। इसमें पहले से अंदर शुगर नहीं जाती, जिस हिसाब से आपको जितना मीठा चाहिए आप उतनी शुगर इसमें डालें। और जो हमने जो थोड़ा सा ये जो क्रीम का मिक्सचर मैंने बचा के रखा था मैं इसको ये उसके ऊपर डालूंगी। और हम इसको डिश आउट करेंगे। जी हमारा कुनाफा का फाइनल लुक रेडी है, आई होप आप ट्राई करेंगे, पसंद आएगा आपको, और ये बहुत मज़े का स्वीट डिश है। इफ्तारी के अंदर हम मीठे में रमज़ान के अंदर सर्व कर सकते हैं ये, मैंने भी एक एक पोर्शन के हिसाब से इसीलिए मैंने छोटा छोटा बनाया है ये।